अगर घर में 2 से 3 दिन पहले की बैट बची हुई है तो कोई नहीं खाता, तो उस बची हुई बैट से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता। हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति एंड वेलकम इन प्रगति रसोई। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने बैट ली है, इसके मैंने 6 से 7 स्लाइस लिए हैं और उनको अच्छे से मैंने कट किया था, और अब हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें उसका एक बारीक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर हमने जो हमारे स्लाइसेज हैं वो सारे जार में डाल दिए हैं। और यहाँ पर एक पाउडर बनकर रेडी हो गया है, इसको हमने एक बॉल में डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप चावल का आटा, और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 मीडियम साइज का बॉयल्ड आलू। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, और इसको अच्छे से मैश करना है, इसमें कोई भी टुकड़ा ना रहे, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसको भी मैंने डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1/4 कप कैप्सिकम शिमला मिर्च, और यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप प्याज, चॉप किया हुआ प्याज है उसको भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून धनिया, और यहाँ पर मैं लूँगी 2 से 3 हरी मिर्च। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, और डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और नमक डाल देंगे। आप टेस्ट के अनुसार नमक ले सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक यूज किया है। और अब इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है, और इसका एक अच्छा सा हम बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। इस पूरे बैटर में मैंने 1.5 कप ही पानी का यूज किया है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, पूरा एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो बनकर रेडी हो गया है, और इसमें अब हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर हमने तवा लिया है, तवा गरम कर लिया है, इसको हल्का सा ऑयलिंग कर लेंगे इसके ऊपर ब्रश से, आप चम्मच से भी कर सकते हैं, जिससे चाहे कर सकते हैं। और अब हम इसमें जो हमने बैटर रेडी किया है ब्रेड का उसको डाल देंगे। थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बिल्कुल पतला बैटर नहीं डालेंगे। तो ये देखिए डाल दिया, और इसको हम कवर कर देंगे लेट से, और अब हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे। तो लगभग मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट एक साइड की तरफ इसको मैंने अच्छे से पकाया है, और अब हम इसको दूसरी साइड सेक लेंगे अच्छे से। तो देखिए नीचे वाली साइड बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, तो अभी हम दूसरी साइड भी सेक लेते हैं इसको। तो ये देखिए दोनों साइड अच्छे से सिक गया है, दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से सिक चुका है, और अभी हम इसको तवे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से सिका हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल में नहीं बना है, बिल्कुल मैंने बस ब्रश से तवे पे लगाया था और उसी से ये बनकर रेडी हो गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा, और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाएगा। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, और आपको ये खाने में भी अच्छा लगेगा। अगर 2-3 दिन की बैट आपके पास बची हुई पड़ी है तो आप ऐसा ही नाश्ता बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। Take care. Bye-bye.